तुम लोगों की ना ये बहुत बुरी आदत है, लास्ट मोमेंट तक तुम लोग पैकिंग नहीं करते हो, जाने का टाइम हो गया और जरूरी सामान सारा बाहर पड़ा हुआ। ये दवाई मैं रेड बैग में रख रही हूँ, याद रखना, और ये वेफर्स और बिस्किट्स रख रही हूँ, रास्ते में खा लेना नहीं तो एसिडिटी हो। तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी ना और कुछ नहीं खाया रास्ते में तो वहाँ आके दोनों की खबर लूंगी, और फिर ये मत बोलना कि फ्रेंड्स के सामने डांटो मत। ये मस्कीटो रेपेलेंट कॉइल है, वहाँ मच्छर होंगे, अभी डेंगू मलेरिया बहुत फैला हुआ है, प्लीज ध्यान रखना तुम लोग। हमें जब भी कहीं जाना होता है ना, मासी ऐसी पैनिक हो जाती है। पैनिक नहीं हो रही मैं, मुझे फिक्र है तुम दोनों की। हाँ कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी, है ना ज्यादा। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं हाँ करती हूँ ना थोड़ा पैनिक, माँ हूँ ना, मुझे आदत पड़ गई है परेशान होने की, बस तुम लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो बोला है वो याद रखना, जा पानी लेकर। मैं लेकर आती हूँ पानी की बॉटल। बैग अब सुन, तू ट्रिप पे जा रही है तो यहाँ जो कुछ भी हुआ सब भूल जा, ट्रिप एंजॉय करना, नई यादें बनाना, हैप्पी मेमोरीज। ओके आई प्रॉमिस, मैं खूब एंजॉय करूंगी। ओके हाँ लेकिन तू ना वो रिया से झगड़ा मत करना, वो देख बुरी नहीं है, वो बस सिद्धी है। हाँ मैं झगड़ा नहीं करती उसके साथ, वही शुरू करती है। तू खत्म कर देना, मेरा समझदार बच्चा है ना, प्लीज देख उसकी छोटी छोटी गलतियां माफ कर दिया कर, तुझे गुस्सा आया तो कंट्रोल कर ले, तेरे हाथ में है ना बेटा। पर माँ वही शुरू करती है सब, तू झगड़ा नहीं करेगी, प्रॉमिस कर बस। ओके प्रॉमिस, हैप्पी, वेरी हैप्पी, गुड गर्ल। ये ले बैच, मैं तेरी भी बॉटल ले आई। अच्छा अभी जल्दी चलते नहीं तो मैं बस में ना लास्ट सीट पे बैठना पड़ेगा। अरे लास्ट सीट में बैठने का ही तो मजा है ना माँ। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ उस बारे में करना। Hey Dad, I'm going out for my college trip today. Thanks for letting me know. I'll call you back. Dad, I'm still standing here. मैंने कहा ना तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी। But Dad, जब तक तुम अपनी गलतियां रियलाइज नहीं करती, अपने अंदर बदलाव नहीं लाती, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। डैड ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, वो मुझे चेंज देखना चाहते हैं, पर मैं तो उन्हें ही चेंज देख रही हूँ, और ये सब हो रहा है उस प्राची की वजह से। उसने मेरे और मेरे डैड के रिलेशन को बिल्कुल खराब कर दिया है, नाउ शी इज गोइंग टू पे फॉर इट। मैं अपने डैड का गुस्सा फेस कर रही हूँ और आप प्राची मेरा गुस्सा फेस करेगी। यू आर गॉन एंड डेड। आ गई। मिली? हाँ क्या कहा? कहा कि गुड बाय। कोई बात नहीं, ही लव्स यू अ लॉट, जस्ट रिमेम्बर दैट। और हाँ उन्हें मनाने के लिए तुम्हें क्या करना है पता है ना? सो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, मैं उस प्राची से पैचअप करूंगी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगी, और उसकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करूंगी जब तक वो मान नहीं जाती। गुड गर्ल। बाय बाय, लेट्स गो। Understand. रिया के लिए उनके साथ मैचअप करना बहुत मुश्किल होगा, पर उसे ये करना होगा, अपने डैड के लिए उसे ये करना होगा। देख ध्यान रखना अपना और फोन जरूर करते रहना, तू कितने जा रहा है, किस दिन नाल मिल रहा है, की कर रहा है, मैंने सब कुछ पता होना चाहिए। और जल्दी वापस आ जाना पुत्र। एक काम करता हूँ, मैं जाता ही नहीं, मैं आप ही के साथ रह जाता हूँ। बकवास ना कर, तेरी फिकर हो रही है इस करके कह रही हूँ मैं। I'll miss you यार। I'll miss you more दीदा। I'll miss you। दादी तो ऐसे बात करिए जैसे ये जंग पर जा रहा है। शुक्र कर रणबीर लड़की नहीं है, अगर लड़की होती ना तो बीजी उसकी शादी तक नहीं होने देती, जिंदगी भर उसे अपने साथ रखती। हाँ
अब ये लोग अलग हो गए या नहीं? No chance. लगता बिल्कुल नहीं है. प्लीज कुछ करो, मेरे हेट हो रहा है. सच बोलू ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तेरे को भेजने का. ठीक है तो मेरा जाना कैंसिल. कैसे कैसे कैंसिल? नहीं 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 कैंसिल नहीं. हाँ अगर ट्रिप कैंसिल करोगे तो इस बेचारे की भी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी ना. सुनो प्लीज यू आर गोइंग ओके. तो क्या हो गया? मैं रणवीर और आर्यन आज क्लब चले जाएंगे. वी विल पार्टी टुनाइट. दैट्स अ ग्रेट आइडिया दीदा. बैड आइडिया. पार्टी एक रात की है, ट्रिप तीन दिन का है. वही तो कैसे काटूंगी तीन दिन तेरे बिना. पीजी डोंट वरी, अगर आपने रणवीर को बहुत ज्यादा मिस किया ना तो मैं हूँ ना, मैं आपको ले चलूंगी उसके पास. प्रॉमिस? एब्सोल्युटली. ठीक है. Why she so attractive यार? अब इसे देखूं या इस जगह को? तुम लड़कों को ना पता नहीं ये क्यों अच्छी लगती है. She has too much attitude. इसे लगता है इसे जो अच्छा लगता है ना वो इसका हो जाता है. पता नहीं कब मैं इसे पसंद आऊंगा यार. शराब अक्षय, उसने हमारा टेंट ले लिया है. और तुम इन लड़कियों को ना प्राची ही ठीक करेगी. आई विश प्राची यहाँ होती. अरे स्लो चलाओ ना, धीरे नहीं चला सकते क्या? अरे प्राची आराम से बैठना, एंजॉय कर. हाँ यार बहुत मजा आ रहा है. यस गाइस, आई थिंक आई नीड टू गो एंड चेक दिस प्लेस आउट. हु इज कमिंग विद मी? अभी नहीं रिया, प्रिंसिपल कैंप साइड में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाले हैं. रूल्स एंड रेगुलेशंस डोंट फॉलो करो बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस प्लेस. आर यू विद मी? यस कम ऑन चल. अरे दासी अटेंशन क्यों ले रही है? रिया अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है, आ जाइए घर पे. मेरे कैबिन में चल. अब दासी मैं आपसे बात बात करता हूँ, मेरा खून का प्यासा आ गया. ओके क्या बोल रहे? मैं खून का प्यासा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा. अभी आइडिया, बीटरूट का जूस जो होता है ना वो पिया कर खून बना रहेगा. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू, तुझे मेरी फिक्र है, अपनी खुराक बढ़ा रहा है, खून बढ़ाएगा फिर पी जाएगा है ना? कमाल है, मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है? आवाज खराब हो रखी और मरफुरदार जोक पे जोक मारे जा रहे. तेरे जोक से इतने खराब है ना कि मुझे मारने पड़ते हैं. मेरा जोक बुरा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. क्योंकि तेरा टेस्ट भी खराब है, तेरा गला खराब है और मेरा दिमाग भी खराब होता है. तेरा दिमाग खराब हो रहा है तो तू मेरा मूड क्यों खराब कर रहा है यार? मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरी औलाद जो है ना वो घूमने गई तो घर बड़ा खाली खाली सा है एकदम, पूरा घर मेरा. इतना कमीना बाप है तू. एक पति भी हूँ मैं, जब मेरी औलाद घर पे होती है तो मेरी बीवी का ध्यान मुझ पर होता ही नहीं, पूरा दिन मेरे बच्चों के पीछे लगी रहती है. तब मुझे कहना पड़ता है खास तौर पे, मोहतरमा हम आपके पति हैं, हम इस घर में रहते हैं और हम पेइंग गेस्ट नहीं हैं. एक दिन क्या हुआ ना कि मैं उसे कहने लगा कि यार कितना बोलता है यार तू, चल बस हो गया तेरा, मैं जा रहा हूँ. अरे कहाँ जा रहा रूम? अरे वो प्राची की माँ से मिलने जा रहा हूँ. सर आई वॉन्ट यू टू साइन दिस. देख मेरे भाई ये लास्ट मीटिंग अटेंड कर ले प्लीज, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ. उसके बाद तुझे जिधर जाना है तू चले जाना, उसके बाद मत आना, कभी मत आना. मैं तो कह रहा हूँ कभी मत आना, लेकिन प्लीज ये मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट. मैं तेरा भाई नहीं हूँ क्या? प्लीज एक प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज. तू एक नंबर का नौटंकी पास है. जूही प्लीज कॉल फॉर द ड्राइवर, सर प्राची की बॉम से मिलने जा रहे हैं. इट्स ओके, मैं अकेले चला जाऊँ. अकेले? सर मैं बाद में आती हूँ. मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? क्या पता शायद उसे लगा होगा कि तुम प्राची की मॉम से मिलने जा रहे हो इसलिए. हाँ मिलने जा रहा हूँ, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मॉम यार उसे ऐसा लग रहा होगा कि शायद तेरे और प्राची की मॉम के बीच में कुछ चल रहा है. What nonsense यार. Exactly, what nonsense. She's such a nice woman, such a graceful lady. इतनी अच्छी औरत है, इतनी हम्बल, इतनी अच्छी. मैं तो ये सोचता हूँ अभी कि जब ऊपर वाले ने औरत जात बनाने का सोचा होगा तो प्राची की मॉम जो है ना वो उनकी पहली पेशकश होगी. प्राची की मॉम उनकी पहली मॉडल होगी. इतनी अच्छी औरत, मतलब इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी शक्ल, इतनी अच्छी तमीज. आई फील शी इज द बेस्टेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. फोन करो पल्लवी को. बेशक बिंदास बोल दे कि विक्रम अपनी बहन की काफी तारीफ कर रहा था. बहन क्या बताऊं अभी, उस दिन उसने इस तरह से डांटा ना, ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई को डांट रही. शायद वो मुझे अपना भाई न मानती हो, पर मैंने तो उसी दिन से तय कर लिया कि ये मेरी बहन है. अब एक भाई का फर्ज अदा करते हुए मैं तुझे कह रहा हूं मेरी बहन से दूर रहना. ओ ब्रदर होल्ड ऑन,
I already have a woman in my life. और उससे बेटर ना कोई हो भी नहीं सकती। तू मिला नहीं है ना प्रज्ञा से, तो एक बार प्रज्ञा से मिलेगा ना, प्राची की मां को भूल जाएगा तू। ग्रेस की बात कर रहा था ना, ग्रेस तो प्रज्ञा में है, उसकी आवाज में जो खनक है ना, ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई लाइव म्यूजिक सुन रहा हूं। वो कैरिंग भी है और डेयरिंग भी। शी इज वन ऑफ अ काइंड। वो इंडिया की वो कोहिनूर है जो अभी भी इंडिया में है। खैर जिसे देखा नहीं उसकी मैं क्या तारीफ करूं, बट फॉर मी, मैंने प्राची की मॉम को देखा है और मुझे लगता है कि प्राची की मॉम ऊपर वाले की सबसे बेस्ट क्रिएशन है और मैं उसका भाई हूं। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मेरी बहन से तू दूरी रह। ओए 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 ओए, मुझे उसके पास जाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ओए ओए, तू जा भी नहीं पाएगा, वो और लेडी जैसी नहीं तुझे भाव देगी। चैलेंज कर रहा है? मैं अपने सबसे अजीज दोस्त को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे चैलेंज भी नहीं कर सकता। चल अब तू देख, आज मेरे मिलने के बाद वो मेरे साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और अपने डीपी पर भी लगवाएंगे। इट्स अ चैलेंज। अरे मैंने तो डोर नॉक किया था, अब वो खोलने आएंगी, कोई नहीं दिखा तो डर ना जाए, मिल ही आता हूं। एटलीस्ट इतना बोल दूंगा कि फिर कभी आऊंगा। It's me, Mr. Mehra. ये मिस्टर मेहरा है भी या नहीं? मैं आपको शब्द देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। आवाज भी इतनी भारी। अपने मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही है, इसलिए ध्यान से रहना। हाँ नहीं नहीं, ये मिस्टर मेहरा नहीं। क्या पहनू आज, स्पेशल प्रोग्राम है, ये पहनू ये पहनू, क्या पहनू? भाई ये तू क्या बना के लाया मुझे, ये बता वो बता, ये कर वो कर। अबे तुझे अगर रिया को प्रपोज करना है तो करना, तू मेरी ट्रिप की खराब कर रहा है। और वैसे भी रिया को तुझे हाँ ही बोलना है, तो तू इतनी स्ट्रेस क्यों ले रहा है? स्ट्रेस तो ही ले रहा हूँ यार, I'm just thinking. ये कहाँ जा रही है? Oh shit, कैमरा तो भूल ही गई, लेके आते हो। ये बाद में करेंगे, रुक जा। अरे 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 राजेश बाबू, कैसे हैं? ठीक है, घर पे सब ठीक बढ़िया? हाँ, सब एकदम अच्छा। एक बात बताओ, हमको ये रिया को कहाँ भेजे हो? अरे वो यही पूछ रही थी कि यहाँ सबसे सुंदर जगह कौन सी है, तो हमने बता दिया, वही गई है देखने के लिए। अच्छा हुआ? हाँ वही। अरे एक से सुनो तो सही, राजेश बाबू तुम हमारे ना फेवरेट हो, इसको रखो और हमको ऐसे ही सारी खबर देते रहो, ठीक है? बिल्कुल, सबकी खबर आपको देंगे, प्रिंसिपल की, टीचर की, स्टूडेंट की, किसी का भी बात पूछना हो ना बेझिझक आप पूछ लेना, बस थोड़ा ख्याल तुम्हारा हम रखेंगे। ठीक है चल। सुन गिटार लेके आ। हाँ अभी? हाँ हाँ तो कब? ऑब्वियसली जा जा, अब जल्दी जा। चल, ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। राजू भैया, यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है? उधर उस तरफ 85 कदम चलिए फिर जन्नत। अच्छा? हाँ। थैंक यू। कमाल है, ना कोई कुछ बोल रहा है ना दरवाजा खोल रहा है। कहीं ये चोर तो नहीं जो मोहल्ले में चोरियां कर रहा है? इसे पता होगा कि आज मैं घर पे अकेली हूँ।
पुलिस को फोन करती हूँ। फोन को भी अभी ऑफ होना था। कोई मुसीबत में तो नहीं? क्या करूं, दरवाजा तोड़ दूं? एनी, कोई है? कौन है? अरे ये कौन? या तो कोई आदमी नहीं रहता। Who are you? मैं आदमी हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बेवक्त ऐसे मेरे घर पे आए। चले जाओ। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है और घर के अंदर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं रहता। मैं पति बोल रहा हूँ, सरिता जी की बेटी अनुराधा का पति श्याम। मीरा ने कहा था कि प्राची की मदर का नाम अनुराधा है और प्राची ने तो कहा था कि उसका कोई फादर नहीं। नेचर, नाइट, म्यूजिक, अब इससे ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है? रिया लगती नहीं है नेचर लवर, पर फिर भी वो यहाँ आई, जैसे किस्मत भी उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है। क्या प्ले करूं उसके लिए? लिखा हुआ होगा और उस मूवी का नाम मैं प्लेयर के कान में बताऊंगी। उन्हें करना क्या है कि उस मूवी का नाम अपनी टीम को एक्ट करके बिना कुछ कहे बताना है। ये मैं करूंगा। जरूरी होता है? क्यों आर्यन, तुम नहीं खेलोगे? मैं खेलूंगा ना मैम, लेकिन मैं सेंटर से खेलूंगा। आप प्लीज बैठ के गेम एंजॉय कीजिए, प्लीज कम। ओके गाइस, तो अब मैं बताऊंगा किस टीम को कितने पॉइंट्स मिलेंगे और जो टीम सबसे ज्यादा नाम गेस कर पाएगी वो टीम जीत जाएगी। सो टू माय राइट आई हैव टीम ए एंड टू माय लेफ्ट आई हैव टीम बी। ओके, तो मैं कोई भी टीम में नहीं, बिकॉज आई एम द रेफरी कम एंकर ऑफ दिस गेम। और अब जब सब आ गए हैं, तो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। वो वो वो, सो लेट्स स्टार्ट टीम ए से कोई। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ कोर्स जॉब मिस्टर जॉब। नहीं, गो गो गो, प्रीति शी कैन डू, कम ऑन, लूज प्रीति, लूज, शट अप। व्हाट, ये कौन सा मूवी का नाम है? है मूवी। और एक और बात, एक और बात, एक और बात, अगर टीम ए नाम गैस नहीं कर पाई तो टीम बी को मौका दिया जाएगा। एंड अगर टीम बी ने सही जवाब दिया तो फिर जो पॉइंट्स टीम ए को मिलने वाले थे वो टीम बी को मिल जाएंगे। सो कम ऑन, लेट्स गेट इट गोइंग। तो अब मौका टीम बी को दिया जाएगा और टीम बी, ये बहुत अच्छा मौका है लीड लेने का। सो लेट्स स्टार्ट। पानी, ये बहुत मुश्किल है, कोई भी नाम गैस नहीं कर पाएगा।
जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। She's right. प्राची ने सही आंसर दे दिया, वो भी इतने ईज के साथ। That's amazing. टीम बी को मिलते हैं 2 पॉइंट और टीम ए को मिलते हैं 0. प्राची ने इतने इजीली ये नाम गेस किया है, इनफैक्ट ये इतना डिफिकल्ट था कि प्राची को ये पॉइंट्स मिलने चाहिए, टीम को नहीं। That was really good, प्राची. Good job. Give her a big round of applause. कौन सी मूवीज आती कैसे? मेरे को तो पता भी नहीं है, इसी को आती होगी मूवी। तो अब टीम बी से कौन आने वाला है? मुझे बंदर बंदर बोल दिया, खुद तो बकरी की तरह मैं 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 मैं। क्या क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आर्यन, नो सर नो। ए व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या है क्या ये? अब मतलब सॉरी, मैंने कभी नाम नहीं सुना था ना, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं क्या करूं? हो गया ना, कम ऑन लेट्स गो। सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैं करके दिखाती हूं, मैं ट्राई करती हूं गेस करना। कम ऑन शाना, कम ऑन। 4 शब्द, 4 वर्ड्स की। हां, भगवान मुझे उठा ले। नो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अब टीम बी को मिलते हैं और 2 पॉइंट। एक हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया तुमने। आई मीन जिसके घर जाती हो, जहाँ जाती हो, जिस फैमिली में जाती हो, सबको अलग कर देती हो। तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ऐसा कौन हो सकता है प्राची? I mean, such a bad luck. नहीं, ये झूठ है। ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड छीनना चाहती हो। Stay away from my dad. उन्होंने तुम्हारी एक बार हेल्प किया करती, तुम्हें लगने लगा वो तुम्हें लाइक करते हैं, तुम्हें लगा तुम उनकी बेटी बन गई। नो प्राची, कहने से कोई बेटी नहीं बन जाता प्राची। तुम जैसी हो ना वैसे उनको दिखाओ, एक ड्रामा। अगर मेरे डैड की जबान से फिर से तुम्हारा नाम आया तो तुम देख लेना, तुम जैसी हो उनको वैसे शो करा करो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मां भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा उनके बारे में बात की ना तो क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? Don't touch me. प्राची प्राची बताओ ना क्या कर लोगी? हाँ? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें कोई आइडिया दिया? तुमने अभी क्या किया? और तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम क्या बोले जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? दोबारा ऐसी बात मत करना वरना प्राची प्राची क्या? हाँ क्या? You need to get one thing straight, you are nothing. And तुम कौन हो? तुम मिस्टर मेहरा की बेटी हो, यही पहचान है ना तुम्हारी? तुम्हें पता है तुम उस लायक ही नहीं हो। Oh, dare you talk to me like that? मैं अपने डैडी की प्रिंसेस हूँ। जैसे मैं अपनी माँ की हूँ। मेरी माँ तुम्हारे पापा जैसी अमीर नहीं है, लेकिन उनपे मुझे बहुत नाज है। जितना नाज है ना उनपे उतना ही अफसोस हो रहा है। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें उनसे मिलने दिया, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ मेरी माँ से दूर रहो। Just stay away from my mother, just stay away. अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? गिर जाओगी प्रिया। Help, help. वो गिर जाओगी तुम। रुक जाओ, बहुत गहरी खाई है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती हर बात? आ जाओ। अरे क्या कर रही हो? गिर जाओगी तुम। You don't deserve your father. You don't deserve your mother. तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। प्रिया पागल हो गया तुम? मुझसे और मेरी माँ से दूर रहो, समझी? वरना अगली बार इससे भी बुरा हाल होगा। mm
रिया ये क्या कर रही हो तुम? एविडेंस? मैं प्राची से दूर भाग रही थी, प्राची मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की पर मैं बच नहीं पाई, वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। ना शो द फोटोग्राफ्स। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा तो कर दिया। I like it. Natural shots, huh? इन्हें देख के तो लग ही नहीं रहा है कि मैं गिरना चाहती थी। इसमें देख के तो लग रहा है कि प्राची मुझे बचा नहीं रही थी, in fact, मुझे धक्का देना चाह रही थी। I think they are perfect. इनको देख के पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ। अब तुम एक काम करो, जाके फोटोग्राफ सबको दिखा दो और कहना कि मैंने भी रिया को बचाने की बहुत कोशिश की पर रिया बची नहीं और प्राची ने धक्का दिया और मैंने खुद उसे धक्का देते हुए देखा, और फोटोज दिखाना। ठीक है, वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और बच नहीं पाए, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। थोड़ा रोना प्लीज, हाँ असली लगना चाहिए, कहीं जाके वहां स्माइल करो और सबका पांडा पूछ जाए। पकड़ो उसे, गो डू द नीडफुल। अब जब मेरे डैड को पता चलेगा कि प्राची की वजह से मैं यहाँ से नीचे गिर गई, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो रोएंगे, उन्हें लगेगा मैंने अपनी रिया को इतना क्यों डांटा, और फिर मैं उन्हें मिल जाऊंगी। अब जब मिलूंगी तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ही लेंगे। फिर मैं कहूंगी कि सुवर्णी दादी की प्रेयर्स और आपके प्यार ने मुझे बचा लिया, मैं मौत के मुंह से बाहर आ गई, एंड दी एंड। अब वहां पे प्राची को कॉलेज से निकाले, नो, कॉलेज से नहीं, वो उसे पूरे दिल्ली से निकाल देंगे, तो ना रहेगी प्राची ना बजेगी बस। परफेक्ट, लिसन यू गो एंड डू द नीडफुल। मैं कहीं जाके दुपक जाती हूँ, बट तुम अपना फोन चालू रखना, मैं तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हूँ। चलो गो, 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 गो